अभी बजाएगा ना भिड़ो। आप लोगों ने देखा थंबनेल पे कि आज हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं बात। जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड वीडियो। तो गाइस, जो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है शूट एंड कवर। ठीक है गाइस, आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि बंदे को आप 2-3-4 जितने भी गोली हो वो गोली मारो, लगे या ना लगे वो बाद में आता है। जैसा मैं यहाँ पर देखो, MP से मारने की बंदे को कोशिश की पर एक गोली नहीं लगा, तो मैंने जल्दी से कवर में गया, उसके बाद जंप करके सरप्राइज दिया एनिमी को, उसके बाद ग्लोअर लगा के उसको खत्म कर दिया। अब ये मैंने कैसे किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री की तरफ, और फैक्ट्री में घुसते ही मुझे दिखा एक बंदा। ठीक है, तो बंदे को देखते ही मैंने लिया हाथ में MP। MP में अच्छा अटैचमेंट्स नहीं थे, तो गाइस एक भी सिंगल गोली कनेक्ट नहीं हुआ, पर बंदे को पता चल गया कि कोई ना कोई बंदा उसको मार रहा है। तो वो क्या किया ना, वो सामने वाले दीवार के पीछे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मैंने मिस हुए, तो मुझे पता था वो भी मारेगा, तो मैंने क्या किया इसके पीछे आ गया। अब वो जो मारा ना, सारे गोली मिस हो गए क्योंकि मैं उसके पीछे था, और तभी मैंने उस पीछे से जो है कवर से हट के जंप करके मैंने उसको हेड मार के ग्लोअर लगा दिया। तो बंदे ने जब मुझे शूट किया ना, तभी जो है मैं कवर में था। तो ये वाला चीज हमेशा याद रखना, बंदे को मारो 2-3 गोली, बंदे को जस्ट पता ही चले कि कोई बंदा उसको मार रहा है, तभी तुम चले जाओ कवर में। क्योंकि तभी तुम अगर कवर में जाओगे तो बंदा आपको जो गोली मारेगा वो सारे गोली कवर में लगेंगे। लाइक ग्लोअर लगा दोगे तो ग्लोअर में लगेंगे, जैसे मैं दीवार के पीछे चले गया तो सारे गोली दीवार में लगे। उसके बाद मैंने जंप करके सरप्राइज दिया एनिमी को और एनिमी को मार दिया। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रो टिप है वो है कंफ्यूज योर एनिमी बाय ग्लोअर। ग्लोअर के सहारे आपका जो एनिमी को है कैसे कंफ्यूज कर सकते हो। तो गाइस देखो, ग्लोअर अगर आप लगाते हो तो बंदा एक्सपेक्ट ये करता है कि वो मतलब आप उसका जो एनिमी है वो राइट से आएगा या फिर लेफ्ट से आएगा। तो आपको पहले बंदे को जो है एकदम मतलब पागल कर देना है कि ऐसे ग्लोअर लगाना है और ऐसे लास्ट मूवमेंट करना है कि वो लगे कि आप राइट से आओगे पर आप जंप करोगे लेफ्ट से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगाया ग्लोअर, उसने सोचा कि मैं राइट से आऊंगा पर मैंने लेफ्ट से आया, तो देखो वो हील ही कर रहा है, वो क्योंकि वो देख रहा था लेफ्ट की तरफ उसके, पर मैं राइट से आ गया और उसको वन टैप मार दिया। वो एकदम पागल ही हुआ कि भाई मैं तो इधर देख रहा था, मुझे लगा इधर से आएगा पर एकदम उल्टी तरह से आया, तो ये तो भाई चीटिंग है। भाई ये चीटिंग नहीं, यही है दिमाग। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा आपका दिमाग। फ्री फायर इज ऑल अबाउट खेलो दिमाग से। तो यहाँ पर गाइस देखो, मैंने ग्लोअर लगाया। अब मैंने देखो गाइस यहाँ पर जो ऐसा टर्न लिया, उस बंदे को लगा कि मैं राइट से जाऊंगा, मेरे राइट से और उसके लेफ्ट से जाऊंगा, समझ लो गाइस, मतलब मेरे राइट से उसके लेफ्ट से जाऊंगा। तो वो क्या किया ना, वो राइट की तरफ देख ही नहीं रहा था उसके, वो सिर्फ उसके लेफ्ट की तरफ देख रहा था। उसने सोच ही लिया था कि मैं जो है उसके लेफ्ट से आऊंगा, पर यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पर ग्लोअर लगाने के बाद एक स्वीट या फिर एकदम स्मूथ टर्न लिया लेफ्ट की तरफ, मेरे लेफ्ट की तरफ एक स्मूथ टर्न लिया। पर वो बंदा तभी कंफ्यूज हो गया कि भाई इधर से आएगा या उधर से, और बंदा कंफ्यूज हो गया तो भाई एकदम जल्दी से जाने का, बंदे को मार देने का। तो यहाँ पर मैंने गया सुपर जंप लिया, वन टैप मारा, खत्म। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू किल व्हीकल प्लेयर्स। व्हीकल प्लेयर्स का मतलब है जो लोग गाड़ी पे सवार होकर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इधर उधर जाते रहते हैं, उन बंदों को आप सबसे जल्दी कैसे मार सकते हो, पर उन बंदे को हेडशॉट से बहुत जल्दी कैसे मार सकते हो। तो गाइस अकॉर्डिंग टू गरीना फ्री फायर मैकेनिज्म, अगर आप लोग किसी बंदे को मार रहे हो हेडशॉट के लिए ड्रैग, वो भी कोई बंदा अगर गाड़ी से जा रहा है, तो अगर खड़े होकर मारते हो तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बंदे को हेडशॉट लगे, पर अगर तभी आप क्राउच करके स्कोप करके ड्रैग मारते हो तभी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस मैंने देखा प्लेयर, तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने 145 का एक पड़ा, यहाँ पर एक और 145 का पड़ा। वो क्यों पड़ा, बिकॉज मैं यहाँ पर बैठ के मार रहा हूँ, क्राउच करके मार रहा हूँ, और देख सकते हो गाइस दोनों बंदे को मैंने उड़ा दिया। ठीक है गाइस, दोनों बंदे खत्म हो गए। वो लोग सोचे भाई सामने हैकर है क्या, पर नहीं, मैंने इसको इसी तरह से मारा कि मैं जब क्राउच हुआ ना था तो जब गोली है ना एकदम सीधा सीधा जा रहा था, और मैंने क्या किया पता है, मैंने स्कोप करके लेफ्ट साइड बंदे क्लिक करके अपना जो कैमरा है वो थोड़ा सा लेफ्ट टॉप की तरफ, जो लेफ्ट का जो कोना है ना वो कोने की तरफ मैंने जो है ड्रैग मारा, जिसके सारे क्या हुआ सारे हेड लगे, 145 का 2 लगा। वो बंदा सोच रहा कि रनिंग हेडशॉट बंदा कैसे मार सकता है। तो गाइस यही ठीक है, कोई बंदा आपका जो क्रॉस कर रहा है राइट से लेफ्ट जा रहा है कोई गाड़ी से, तो आपको इसी तरह से खड़े होकर नहीं एकदम क्राउच करके स्कोप करके मारना है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं हेडशॉट के लिए। यहाँ पर आप बहुत बड़ा गलती कर देते हो खड़ा होकर मारने के लिए।
तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है गाइस हाइट एडवांटेज। जी हां गाइस, उसका नाम है हाइट एडवांटेज। इसको शुरू करने से पहले गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई आपने कुछ नहीं किया यार, एक लाइक कर दो। एक लाइक करने से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, एक सिंगल लाइक से भी। तो यार जितने लोग देख रहे हो ना, सब लोग एक साथ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि हम जो ऐसे वीडियोस हमेशा डालते रहते हैं। तो गाइस हमेशा तो आप हाइट का एडवांटेज नहीं ले सकते। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर मील पे हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर दो तीन बंदे उतरे हैं और उन तीनों दोनों बंदे के बीच जो है फाइट तो होना ही है। तो मैंने गाइस क्या किया ना, मैंने कोशिश किया कि भाई मैं किल लूटूंगा या फिर उनको मारने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर जो पहाड़ है ना मील के ऊपर, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से सब जगह दिखता है, पीछे भी दिखता है, सामने भी दिखता है, सब जगह दिखता है। वहाँ से मैं फुल टू उनके ऊपर रश कर पाऊंगा ऊपर से, और ऊपर से अगर मारूंगा तो हेडशॉट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मतलब हेडशॉट्स लगेंगे ही। देख सकते हो गाइस नीचे फाइट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर, और पहाड़ों के ऊपर अगर जाऊंगा तो इतना जल्दी उनको ना ही ग्लूअल मिलेगा, ना ही कुछ कवर टाइप का कुछ मिलेगा, तो मैं बहुत इजीली मार सकता हूँ। तो गाइस यहाँ देखो, मैंने बंदा दिखा, मैं थोड़ा सा ड्रैग किया, एक हेड लग गया, पर वो बंदा बच गया, पर फिर भी मैंने उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। वो कभी ना कभी तो मर ही जाएगा, पीछे से बंदा आके उसको मार ही डालेगा, पर वो वाले बंदे को मैं मार दूंगा और बहुत ही इजीली ये जगह पर सर्वाइव करके निकल जाऊंगा। तो गाइस आज का जो हमारा लास्ट या फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो द परफेक्ट पीक स्टाइल। पीक मतलब जो हमारे मिलता है मैप के अंदर, वो पीक नहीं बरमूडा का। ये वाले पीक का जो मतलब है वो है ढील देना, या फिर बंदे को दिखाना कि मैं भाई एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तेरे को मार ही डालूंगा, तू आ जा। लाइक देख सकते हो गाइस मैं कैसे हिल रहा हूँ, मैं एकदम धीरे धीरे आ रहा हूँ, बंदे को पीक दे रहा हूँ कि भाई तुम मुझे मार। वो बंदा जब ही कवर से बाहर आएगा मैं उसको मार दूंगा वन टैप। वो कैसे करते हैं वो अभी मैं इस वीडियो का सिखा दूंगा। तो गाइस वीडियो का पता है, अगर तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो एज यू कैन सी गाइस, मैं यहाँ पर बंदे को जो है पीक दे रहा हूँ या फिर ढील दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई आ जा और मुझे मार ले। मैं एकदम खुले में एकदम शांति से हिल रहा हूँ, राइट लेफ्ट राइट ऐसे हिल रहा हूँ, और मेरे हाथ में डेजर्ट ईगल, मैं रेडी हूँ। बंदा जब सीधा खड़ा होगा या फिर एक शॉट मुझे मारेगा, जब वो एक शॉट मारेगा या फिर गोली चलाएगा, वो तो एकदम सीधा खड़ा होगा ना, तो तभी मुझे एक पोजिशन मिल जाएगी। बंदा सीधा खड़ा है और मेरे पास है डेजर्ट ईगल, तो मुझे मैं इससे जो इजीली उसको वन टैप मार सकता हूँ, बहुत इजीली मार सकता हूँ। तो आपको वेट करना है बंदा आपको एक गोली मारे तभी तक। एक गोली अगर उसने आपको मार दिया तो उसके 0.01 सेकंड के बाद ही आपको उसको वन टैप मार देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा एकदम सीधा रूप पे, मतलब एकदम सीधा खड़ा होगा वो वाला बंदा। अब देख सकते हो वहीं पर वो बंदा अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में रिवाइव होकर आया है और मैं एकदम रेडी हूँ उसको पीक देने के लिए। मैं पीक दिया हुआ हूँ और वो जब जस्ट खड़ा होता है और मैं उसको ड्रैग मार के वन टैप मार देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो भाई लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दो ये वाला वीडियो को, उनको भी पता चलना चाहिए भाई, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड पीस।